मोदी सरकार में सड़क और परिवहन राज्य मंत्री बने वीके सिंह ने कहा कि गडकरी जी ऊंचे मानदंड रखते हैं। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में वीके सिंह ने कहा कि ये काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय है। देखिए, कामकाज तो चलता आ रहा है। नितिन जी ने बड़े ऊंचे मापदंड रखे हैं और उन्हीं मापदंडों को लेकर आगे और उसके अंदर गति लाने का प्रयास करें। जनरल वीके सिंह जी, क्योंकि आप इस पहले सेना के अध्यक्ष रहे, उसके बाद आपने विदेश मंत्रालय संभाला, अब आपको सड़क परिवहन का जिम्मा दे दिया गया, अंतर बहुत सारा है कामकाज में अगर देखें, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, कामकाज में कोई अंतर नहीं होता। काम करने वालों के लिए सब काम बराबर होते हैं और अपने आप के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस दायित्व के लिए मुझे चुना है और उनके भरोसे पर, उनके विश्वास पर पूरा खरे उतरेंगे। वीके सिंह जी, अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें, दिल्ली से लेकर मेरठ तक का एक्सप्रेसवे अभी भी निर्माणाधीन चल रहा है, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे की बातचीत चल रही थी, शिलान्यास भी उसका हो चुका है, इन तमाम पहलुओं पर कैसे काम होगा और कितनी गति मिलेगी इस नई सरकार में एक्सप्रेसवे को लेकर और नेशनल हाईवेज को लेकर, क्योंकि ये अटल जी का भी एक सपना था। गति बहुत तेज है, 24 घंटे वहां पर काम चलता है अगर आप जाकर देखें, और मुझे पूरी आशा है कि इस काम को और गति मिलेगी, जल्दी काम अच्छा होगा। नई टेक्नोलॉजी से, नए तरीके से कैसे इसको तेज किया जा सके, इसके ऊपर भी सोच। एक अंतिम सवाल वीके सिंह जी, एक सबसे बड़ी जो समस्या लोगों के सामने आती है, टोल प्लाजास पर जो गुंडागर्दी होती है टोल कर्मियों के द्वारा, कई जगह अवैध तरीके से टोल वसूले जाते हैं, क्या इसको लेकर भी कोई कामकाज होगा, इस पर भी कोई रोक लगेगी? देखिए, अभी जा रहे हैं मंत्रालय में, पूरा काम समझेंगे, बातचीत करेंगे और हर पहलू पर उसके बाद सोच विचार कर नितिन जी से उसके बारे में बातचीत कर फिर देखेंगे किसका किसका हल निकल सकता है।